मैंने अब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा और मैं ये प्रमोट करना चाहती हूँ यूनिटी कि एक रिलीजन में सुपीरियरिटी नहीं है। जो आप अगर आप मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ज्यूइश कुछ भी आपकी रिलीजन हो, एक मैसेज है उनमें प्यार और यूनिटी। और मैं ये प्रमोट करना चाहती हूँ, इन बच्चों के साथ मैंने बात भी किया कि जैसे ये सब एक रिलीजन का नहीं है, ये इस चर्च में क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी, हिंदू है। जो ब्रिजिट है जो इस ऑर्फनेज को रन करती है, वो सब बच्चे लेती है, मतलब क्रिश्चियन हिंदू सब लेते हैं। और ये सब बहन भाई बन गए, उनका रिश्ता खून का नहीं है लेकिन प्यार का है और यूनिटी का है। और अब मैं ये प्रमोट करना करती हूँ, मैं अब गाया मदर सोफिया हूँ, मतलब आई एम द, मेरी जो बॉडी है, माय बॉडी इज द अर्थ। हेलो, आई फील अगर कोई डिप्रेशन में है यहाँ आ जाओ प्लीज, कम टू द ऑर्फनेज, क्योंकि ये लड़कियों में इतना प्यार है, इतना जॉय है कि जैसे मेरा दिल इतना खुश होता है। पिछले साल मैं भी आई थी जब मैं एक्ट्रेस थी, और एक साल के लिए मेरी एनर्जी यहाँ तक थी, अब मैं वापस आई। एक्ट्रेस के तौर पर आई थी यहाँ पर, और आप जब आप प्रिया मदर के तौर पर आई, दोनों में क्या डिफरेंस आप देखती हैं और उनसे मिलने के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है? एक्चुअली दोनों टाइम जब मैं आई थी मैसेज एक ही था, पहले जो फीमेल एम्पावरमेंट का मैसेज था, लेकिन मैं मेकअप पहन के आई थी। अब जो मैसेज है, मैं उनको बता रही थी कि खूबसूरती अंदर से बाहर है। ये मैसेज आप बोल सकते हो जब मेकअप पहनते हो, जब आप आपका पिक्चर मैगजीन में फ़ोटोशॉप हुआ, लेकिन असलियत में जब मैं यहाँ आती हूँ मेरे फेस में स्पॉट है, मैं खुश हूँ मेरे फेस में स्पॉट है। इसकी नाखुशी की बात क्या है? लोग डरते हैं, ओ मेरा स्पॉट एक स्क्रीन पे नहीं दिखाना है। हम इंसान हैं, स्पॉट्स होते हैं, और बच्चे के भी स्पॉट्स भी होते हैं। और अगर वो हमेशा हर रोज़ देखते हैं एक्ट्रेस और हीरोइंस को मेकअप पहनते हैं, वो सिर्फ ये समझेंगे कि ये परफेक्शन है। परफेक्शन जो हमको अब तक सीखा और हम देखते हैं परफेक्शन और ब्यूटी क्या है, वो सच ब्यूटी नहीं है। बहुत ख़ास है मेरे लिए। मैं ये बोलती हूँ अगर आपको कुछ करना है दुनिया में, इन बच्चियों को मिलके खम सेट्स ईट्स विद देम, प्रे विद देम, क्योंकि आपको इतनी इतनी खुशी है। जो पिछले सालों में मेरी खुशी पिक्चर बनाने में, मेकअप पहनने में, फैशन करने का, मीडिया के सामने दूसरा दूसरा ड्रेस पहनना, ज्वेलरी पहनना, ये हम करते हैं ना, मैं बोर हो चुकी हूँ इन काम से कि अच्छा आज कौन सा ड्रेस पहनूँ, मैं कितनी अच्छी लगती हूँ इस ड्रेस में, मेरा मेकअप कितना अच्छा, मेरे बाल, उन चीज़ों को मैं छोड़ गई अब। क्यों? क्योंकि मेरा इनलाइटनमेंट हुआ, मेरा अवेकनिंग हुआ, मुझे पता लगा कि मेरी इनकारनेशन गॉडेस आइसिस मदर मेरी है, कि मैं भी एक गॉड हूँ, लेकिन आप भी गॉड्स हैं, क्योंकि यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। अच्छा, जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ उनको देना चाहती हूँ, और मैं उनको एक चीज़ देना चाहती हूँ, मैं उनको बहुत प्यार देना चाहती हूँ। सो आई सेंड यू माई लव एंड माई ब्लेसिंग्स, क्योंकि उनकी फॉल्ट नहीं है कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस दुनिया में देखो, जो टीवी शोज़ आप देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, ये वो देखते हैं, टीआरपीज़ मिलते हैं जब लोग फाइटिंग करते हैं। लेकिन इसलिए जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सिर्फ यही सीखते हैं कि पॉपुलर बनने के लिए लोगों को क्रिटिसाइज़ करो, लोगों को नीचे बनाना है। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो लोग दूसरे लोगों को बुलिंग करते हैं या मारते हैं या नीचे बनाते हैं, उनको माफ़ करना है, क्योंकि उनके दिल में प्यार की ज़रूरत है। मैं सब लोगों को ये अपील करना चाहती हूँ कि ये जो दुनिया है, आपको पूछ रहे हैं हम क्यों इस दुनिया में हैं,
کیوں ڈفرینٹ ریلیجن ہے، کیوں ڈفرینٹ کلرز ہیں؟ اس کا آنسر میں دے سکتی ہوں، کیونکہ زندگی بورنگ ہو جائے گی اگر صرف ایک ہی چیز، اگر ہم سب ایک فیس ہے، ایک ریلیجن ہے، ایک کھانا کھاتے ہیں. دس از دا بیوٹی، دا ڈائیورسٹی آف آور ورلڈ. اور یہ بھی، آپ سب کریئیٹر گاڈز ہیں، آپ سب یو گاڈز، اور آپ اس دنیا پہ اس لیے آئے ہوں کہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے. اور میں اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ میں کون ہوں. آئی ایم دی انکارنیشن آف گاڈس آئسس میری کونین فیمیل کرائسٹ. اب جو دن ہے اس دنیا میں، سب اینجلز آف گاڈز آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ان کو. اور یہ جو دن ہے اب بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ ہیں اس دنیا میں اب بھی، آپ بہت ہی خوش قسمت ہو کہ اس وقت آپ اس دنیا پہ ہیں، کیونکہ آپ بھی دیکھیں گے بڑے بڑے میریکلز ہونے والے ہیں، ہو رہے ہیں اس دنیا میں. صحیح بات ہے. ہاں میں سیٹل بھی تھی، میرا پیسہ بھی تھا، سب کچھ ہے، کام بھی ہے. لیکن جو ایک سال میں میں نے بہت میڈیٹیشن کیا، انلائٹنمنٹ ہوا میرے کانشیسنیس میں، جانتی ہوں کہ ہم باڈی نہیں ہیں. یہ سمجھو کہ یہ جو ہم ہیں، ایک لائن جا رہی ہے ستاروں کی لائن، اور اوپر آپ کا کانشیسنیس ہے، اور آپ کا کانشیسنیس آپ کو کریٹ کیا. لیکن ایک نیگیٹو انرجی اس دنیا میں پھیلی ہوئی جو آپ کو کٹ کر رہی ہے آپ کی کانشیسنیس سے، کیونکہ آپ اتنے ڈیوائن ہو. اب ہم باہر سے لیتے ہیں کہ ہم کیا ہے، کون ہے. نہ آپ کا نام ہو، نہ آپ کی ریلیجن ہو، نہ آپ کے ماں باپ ہو، نہ آپ کے کام ہو یا گاڑی یا پیسہ، آپ صرف ایک ہی چیز ہو، وہ ہے آپ کا دل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.